बच्चे लोगान, स्वागत है डाकू मंगल सिंह के एक नए वीडियो पे। और आज डाकू मंगल सिंह को मिला एक नया मिशन। अब मिशन ये है कि मुझे एक विलेज को खत्म करना है, लिटरली एक बड़े वाले विलेज को तबाह करना है। इस काम के लिए मुझे काफी सारे पैसे मिलने वाले हैं। लिटरली यार मैं सोच भी नहीं पा रहा, बस पैसा ही पैसा होगा। इस काम के लिए मैं काफी सारे पैसे चार्ज करने वाला हूँ। और जब हम लोग के पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम लोग अपने लिए बहुत बड़ा सा घर खरीदेंगे। लिटरली यार ये झोपड़पट्टी वाले सिस्टम को छोड़ देंगे। आप लोग मेरे सामने जो घर देख पा रहे हो, यही घर उस बंदे का है जो कि हमसे एक काम करवा रहा है और हम लोग को इतने सारे पैसे देने वाला है। तो पहले जाके इससे पूरी बातचीत करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि विलेज को कैसे तबाह करना है। और आप लोग ये जो बाजू में विलेज देख रहे हो, ये बंदा पहले इसी विलेज में रहा करता था, बट इस विलेज वालों ने इस विलेज से बाहर फेंक दिया। दैट्स व्हाई इस विलेज से बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है पूरे विलेज को जला के। तो फिर देखो डाकू मंगल सिंह ने इस विलेज से बात कर लिया और इसने हम लोग को सब कुछ बता दिया भाई, कैसे कैसे हम लोग सब विलेज को तबाह करेंगे। उससे पहले आप लोग ये देखो, यहाँ पे जितने भी डायमंड देख रहे हो ये सब कुछ मेरा हो जाएगा अगर मैंने ये काम कर दिया तो। और साथ में यहाँ पे भी काफी सारे। और देखो जो काम हमें करना है उसके लिए हमें एक प्लान भी बनाना पड़ेगा। प्लान पूरा रेडी है, बस उस प्लान के मुताबिक हमें काम करना है। तो उसने कहा था कि ऊपर यार चेस्ट है, चेस्ट में कुछ कपड़े हो गए तो वो हमें लेने पड़ेंगे, पर यहाँ पे तो काफ़ी सारे चेस्ट है। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को सब में चेक करना पड़ेगा। उसने कहा यार विलेज में ना काफ़ी सारे आर्मीज घूमते, तो हम लोग आर्मी का कपड़ा पहन के विलेज में एंट्री ले लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो यार विलेज से हमें पहचान जाएंगे कि ये कौन नया बंदा हमारे विलेज में घुसाया, और फिर हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है भाई, हमें जेल में भी डाल सकते हैं। लग रहा हो ना एकदम ओपी वाला। तो देखो मैंने सब कुछ ले लिया, अब मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ और पूरा आर्मी जैसा दिख रहा हूँ। बस यार मेरा ये जो एक आंख फूटा हुआ है, खैर उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई इतना पहचान नहीं पाएगा। तुम लोग जैसा कि सोच रहे हो ये विलेज वैसा नहीं है, इस विलेज की आर्मी काफी ज्यादा डेंजर है, इवन ये विलेज भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो सुबह को मैं इस विलेज को पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूं और रात होते इस पे हम लोग हमला कर देंगे। बोले तो डाकू मंगल सिंह विलेज में आ चुका है और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ बंदे घूम रहे जिन्होंने से मेरे जैसा कपड़ा पहना है। तो मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ की आर्मी से, बट यार फर्क बस इस चीज का है कि मेरा सॉर्ड आयरन का है और उनका वुड का है। बना यार हम लोग तो एकदम डिट्टू दिख रहे। खैर छोड़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे को इतना अच्छे से तो नहीं पता, पर मेरे ख्याल से इस विलेज का टेंपल है, क्योंकि यार ये बंदा यहाँ पे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है। और देखो इसका प्रार्थना भी हो गया, मेरे ख्याल से मेरे को ही प्रार्थना कर लेना चाहिए, पर खैर छोड़ो अपना तो जय श्री राम है। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ हमारे विलेज के सबसे पॉपुलेशन वाले एरिया पे, यानी हमारे विलेज के मार्केट में। लिटरली यार मैंने पहली बार एक विलेज में इतना बड़ा मार्केट देखा है। लिटरली यार यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बट रात होते ही मेन शॉपकीपर्स के साथ इनके दुकान को भी पूरी तरीके से जला के राख कर दूंगा। और अभी तुम लोग का डाकू मंगल सिंह चल रहा है हमारे विलेज के एक कॉलोनी में। लिटरली यहाँ पे काफी सारे घर है और यहाँ पे हर एक घर में कोई ना कोई बंदा रहता है। वैसे यार काफी सारे घर है, हर एक घर अपने अलग अलग डिजाइन पे बने, जैसे कुछ घर बड़े कुछ घर छोटे, और ये तो कुछ ज्यादा ही एंटीक है। और इससे मिलो, ये है डाकू मंगल सिंह का एक नया दोस्त। मुझे तो लगता था कि यार यहाँ पे बस एक ही टाइप के आर्मी से, बट नहीं, यहाँ पे काफी सारे अलग अलग टाइप के आर्मी से। मैं काफी देर से इस विलेज में भटक रहा हूँ और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एक होटल आ चुका है, तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए, कि वैसे भी मेरे को काफी ज्यादा भूख भी लगी है। हे डाकू मंगल सिंह आया, खाना लाओ खाना। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मैंने इस विलेज को पूरा एक्सप्लोर कर लिया और अब मैं इस विलेज का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अब बस देरी है तो रात होने की, जैसे ही रात होगा मैं इस विलेज में लावा का बाढ़ ले आऊंगा और सुबह होते ही सब लोग मर जाएंगे। एंड देन आई विल बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ दिस माइनक्राफ्ट, डाकू मंगल सिंह। ओए बोले तो मून दिख गए, रात भी हो गई है, मेरे पास मेरे सारे हथियार भी है, शुरू करते हैं। ओए अंकल जी, घर में कोई है क्या? हेलो भाई, इतना बड़ा घर तो दिख रहा है, घर में कोई है ही नहीं। अरे अंकल जी, अरे सुनो यार, यमराज आए आपके घर पे। हेलो भाई, इतना बड़ा घर है, कोई है ही नहीं अभी तेरी की। वेट वेट भाई, ये दिखे। अरे अंकल जी सुनो यार, चलो ठीक है, स्वर्ग में तो पहुंचा ही दिया तुमको। वैसे इतना बड़ा घर है, मेरे पास काफ़ी सारे सामान है, TNT है, लावा है, साथ में वाटर बकेट भी है। वाटर बकेट का तो इतना कुछ काम नहीं है, मैं इस घर को पूरा आग लगा दूंगा गाइस। ओके ठीक है, वैसे मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? वैसे पास TNT ज़्यादा तो नहीं है, तो मैं एक काम करते फ्लेंट का यूज़ करके घर को आग लगा देते। वैसे तो यार सब कुछ लकड़ी का बना हुआ है। वेट वेट, अबे भागो बे, मेरे को आग लग गया भाई, डाकू मंगल सिंह को आग लग गया। अबे जल्दी जल्दी, वाटर बकेट कहाँ गया भाई? ज़रूरत के वक्त पे तो कुछ मिलता ही नहीं है जल्दी से। ठीक है, ये घर अपने आप जलने लग जाएगा, मेरे को अब आगे बढ़ना चाहिए। अबे भाई तेरे को पता नहीं है क्या, विलेज में डाकू मंगल सिंह आ गया, जाके घर पे चुपचाप सो जाओ। वैसे घर पे भी सो के तुम लोग क्या ही करोगे, मैं तुम्हारे पूरे घर को जला दूंगा। यार एक मिनट भाई, अभी ये तो मेरा जिगरी दोस्त है भाई। अरे मारो 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 उसको, जल्दी से मार के खत्म करो। देखो यार मैं एक नंबर का बेईमान हूँ, जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में छेद करता हूँ, इसलिए मैंने जिस होटल में खाना खाया जल्दी भाग पे। ओके ठीक है, बच गया मैं। तो देखो आप लोग ने आवाज़ तो सुनी लिया होगा, उसी होटल में मैं ब्लास्ट भी करता हूँ। खैर यहाँ पे भी एक और घर है, तो यहाँ पे ही देखते। एक मिनट भाई, हेलो कोई है? अबे बिल्ली छोड़ के गया यार, मालिक भी गधा है। ओके ठीक है, यहाँ पे एक लगा दे, एक वहाँ पे लगा दे, फटाफट लगा के दोनों के। यार मेरे को भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुका तो यार मैं भी मर सकता हूँ, जल्दी भागो। यार बिल्ली को देखो, बिल्ली कितनी साणी है, वो भी यहाँ से भाग गई।
ओके ठीक है, अभी यहाँ हम लोग मार्केट एरिया में आ चुके हैं, अभी हमें पूरे मार्केट को आग लगाना है। खैर ये सब विलेजर्स यार कुछ कर भी नहीं पाएंगे, रात का वक्त है और यहाँ पे कोई यार आर्मी भी नहीं है, मैं पूरे मार्केट को आग लगा दूंगा। बस मेरे को इन फायर से थोड़ा दूर रहना है, बने यार मेरे को पकड़ लिया तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो मैं बोल रहा था अबे अबे जल्दी 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 पानी डालो। ओके ठीक है, हाँ फाइनली हो गया, अब मुझे हर जगह पे ऐसी आग लगाते जाना है। एक बार आप लोग यार जरा इस मार्केट एरिया को देखो, हर तरफ बस विलेजर की चीखने की आवाज और बस आग ही आग। लिटरली यार ये देख के मुझे कितना ज्यादा खुशी मिल रहा है। ओके ठीक है, अभी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी घर का नामो निशान मिटाना है तो यार TNT का यूज करना काफी ज्यादा सही रहता है। अभी जल्दी भागो यार, कहीं क्या पता मैं ही ना खत्म हो जाऊं। ओके ठीक है, घर तो फिलहाल फूट चुका है, वैसे कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे ख्याल से अंदर से फूटा होगा तो फिर बाहर से थोड़ा आग भी लगा देते, देखने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा दिखेगा, मतलब ओपी दिखेगा। एक मिनट, अभी कैसे यार बंदे को थोड़ा भी डर नहीं है उसके घर पे, मतलब डाकू मंगल सिंह आया है। अबे यार ठीक है छोड़ो, मैं यहाँ पे आग लगा के निकल जाता हूँ, वो बंदे को हम लोग मार के बाद में ख़त्म कर देंगे। वेट वेट यार, मैं मरने पे आ गया हूँ। ठीक है फाइनली बचा यार, काफ़ी ज़्यादा डेंजर घर ही है यहाँ पे, मतलब चलना भी कितना सारा मुश्किल है। ठीक है यार चुपचाप यहाँ से बाहर निकलते। वेट अबे यार, मतलब ये भिखारी वाले जॉम्बिस को यहाँ न रहता है, वहाँ पे बाहर विलेजर भागा उसके पीछे जाना है भाई। ओके ठीक है, वैसे एक मिनट मैं ऐसे ही नहीं निकल सकता, एक काम करते इस घर में TNT फोड़ देते, मतलब सामने एक TNT फोड़ेगा, मतलब देख के ओपी दिखेगा। हाँ भाई घर का एंट्री जो है वो पूरा फूट चुका हूँ। ठीक है यहाँ पे TNT लगाओ, एक से ही मेरे ख्याल से काम हो जाएगा। जल्दी जल्दी यहाँ से दूर हो जाओ, बना क्या पता हमारे बैंड ना बचाए और बच भी गया। खैर छोड़ो, वैसे तो ये घर काफ़ी छोटा सा है और इस घर में कोई वुड भी नहीं है जिसमें मैं आग लगा पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे TNT फोड़ूंगा, वो भी एक नहीं दो दो फोड़ेंगे। ठीक है बाहर का यार माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है, सारे विलेजर्स यहाँ से वहाँ भाग रहे और मैं सबके घर में घुस घुस के बस आग लगा के सब कुछ ब्लास्ट किए जा रहा हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी एक और होटल है, इसमें पूरा आग लगा देंगे, मतलब हर जगह बस आग ही आग होना चाहिए, सब कुछ जल के खत्म हो जाए, पूरे विलेजर्स यार चिल्ला चिल्ला के भागने लग जाए। और हो सकता है यार हम लोग इतना ज़्यादा आग लगाएंगे तो बंदा खुश होकर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी दे दे। एक मिनट, मेरे ख्याल से घर में मैं आ चुका हूँ और मेरे ख्याल से कोई दूसरा वाला घर है, और वो घर में भी मैंने आग लगाया था, तो यहाँ पे आग लगा रहे थे ताकि ऊपर का भी पूरा एरिया जल जाए। और यहाँ पे भी मैं वही काम करूँगा जो काम मैंने वो वाले घर पे किया था, यहाँ पे TNT लगाएंगे उसे फोड़ेंगे और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ भाई। ओके ठीक है फाइनली यार एकदम मस्त वाला काम हो रहा है। आग लगाते लगाते सुबह हो चुकी है और लिटरली यार मतलब आधा विलेज पूरा जल चुका है और अभी मैं इस विलेज के सबसे टॉप वाले जगह पे आ चुका हूँ, मतलब यार विलेज को मैंने पूरा जला दिया है। हाँ वहाँ के थोड़े बहुत घर बाकी है उन्हें भी मैं जला दूंगा और मैं वही सब काम सुबह को ही करने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे आग लगा है जिस वजह से सारे विलेजर्स यहाँ से वहाँ भाग रहे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सब काम आखिरकार कर कौन रहा है। इस घर का लुक काफ़ी ज़्यादा मस्त है, डैट्स व्हाई मैं सबसे पहले इस वाले घर को जलाऊंगा। वैसे यहाँ पे काफ़ी बड़ा फार्म भी है तो पहले फार्म के सारे फसलों को लूट लेते, खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा था कि ये घर काफ़ी ज़्यादा आलीशान है बट यार अंदर से तो पूरा खाली है। ओके ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पे दो तीन TNT लगा देते हैं, इन्हीं को फोड़ के मेरे ख्याल से मेरे को काम करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी भागो, ठीक है अब वो सब ब्लास्ट हो जाएगा और घर पूरा चल जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आग लगा देते, एक मिनट ब्लास्ट तो हुआ है पर सब पीछे का और अंडा का पार्टी भाई ब्लास्ट हुआ है, बाहर का तो मतलब ऐसा का वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आग लगा देते, आग फैलते जाएगा और सब कुछ जल जाएगा। ठीक है अभी मुझे दूसरे वाले घर की तरफ बढ़ना चाहिए। डाकू मंगल सिंह ने पूरे विलेज में आग लगा दिया और अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो इस विलेज के सबसे बड़े वाले बिल्डिंग में भी मैंने आग लगा दिया। और यार अभी तो इस विलेज में जितने भी विलेजेस बचे हो गए वो सब यार इस चीज़ को देख के भाग जाएगा, मतलब ये बिल्डिंग ही इतना बड़ा है कि इसका आग भाई दूर दूर से दिखेगा। अभी मैं इस विलेज का एक टूर करने निकला हूँ और लिटरली यार ऐसा देख के तो लग रहा है कि इस विलेज में मतलब न्यूक्लियर बम गिराया गया, हर तरफ मतलब सब कुछ तबाह हो चुका है। अब यार इस विलेज का हम लोग नाम रख देंगे हिरोशिमा और यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे बचे, एक आ तो उनको भी मार के हमें ख़त्म कर देता हूँ। मतलब यार ये बंदे भी कैसे, इनका घर जल चुका है फिर भी इनको यहाँ से भागना नहीं है, मतलब यार इतना ज़्यादा प्यार है क्या अपने घर से, एक को गाइस यार मार के ख़त्म कर दूंगा। वैसे वेट यहाँ पे कोई नदी वदी था क्या, या फिर मैंने उस घर के टंकी फोड़ दिया है उस बंदे के घर का। और यहाँ पे देखो भाई मतलब घर टूट चुका है फिर भी यार मियाँ बीबी फुल मजे वाला प्यार कर रहे हैं, तो पहले इनको यार मार के ख़त्म करते हैं क्योंकि ये सब देख के पहले ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने मतलब यहाँ पे इतना मस्त वाला आग लगाया, सब लोग देख के भागने चाहिए, तो इन बंदे लोग को देखो। अभी आप लोग को मेरे आजू बाजू कुछ अजीब नहीं लग रहा, खैर छोड़ो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक मार्केट था गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था और लिटरली यार पूरा मार्केट यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब मैंने ऐसा आग लगाया कि सब कुछ चल के खत्म हो गया है। मार्केट के सारे शॉप्स तो खत्म हो चुके हैं, बस यार एक ये लास्ट शॉप बचा है, तो यहाँ पे भी एक TNT ला के से भी ब्लास्ट कर देते और फिर पूरा मार्केट यहाँ से गायब हो जाएगा।
ओके ठीक है, मेरे ख्याल से घर ब्लास्ट हो चुका है और इसका यार यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे पानी गिर रहा है जो देखिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे यहाँ पे मैंने TNT तो फोड़ा है पर मेरे ख्याल से मैंने कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में फोड़ दिया है, तो मेरे को यहाँ पे एक और TNT फोड़ना पड़ेगा तभी मेरे ख्याल से सब कुछ सही होगा। आगे क्या लुक थोड़ा बिगड़ता है ना तभी जाके देखने में मजा आता है, तो फिर यहाँ पे TNT लगाते हैं। पर मैं TNT को लगाऊँ कहाँ पे, कोई अच्छा सा जगह चाहिए। ओके ठीक है यहीं पे लगा देते, आग लगा भाई जल्दी भागो बे। वैसे यहाँ पे पानी मेरे को इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस एक हार्ट गया है, वैसे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मेरे को घर पे जाना चाहिए, रात भी होने वाली है। लिटरली यार ये देखने में कितना ज़्यादा भयंकर है, मतलब पूरा विलेज जल चुका है, हर तरफ बस लावा ही लावा दिख रहा है। सारे विलेजर्स तो मेरे ख्याल से अभी तक विलेज छोड़ के भाग भी गए होंगे, बट ये काम करके मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा है। वैसे उस विलेज से मुझे काफ़ी सारे फालतू के सामान भी मिले थे, तो वो सभी गाइस यार इस बंदे को ही दे देते, मुझे इन सब का कुछ काम नहीं है। ओके गाइस, तो फाइनली इस बंदे ने डाकू मंगल सिंह से, मतलब डाकू मंगल सिंह ने इस बंदे से बात कर लिया और ये बंदा हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश है। जो हमने काम किया इससे बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है। लिटरली यार एक दो झप्पी भी दे रहा है, अभी साले दूर हो जाओ। ठीक है यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड है तो मेरे को अभी सब कलेक्ट कर लेना है क्योंकि यार अभी सब कुछ बस अपना ही माल पानी है। यहाँ पे और भी थे और भी क्या यार काफ़ी सारे डायमंड है, मतलब लिटरली मेरे पास 64 से भी ज़्यादा आ चुके हैं। ओके ठीक है मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया। और देख भाई इसका नाम है इतरा, अगर देखो दोबारा कभी जिंदगी में काम हो तो बेफिक्र हमें बुला लियो। हाँ बस मैं फीस कुछ ज़्यादा ही लूँगा इस बार क्योंकि यार हमारा नाम काफ़ी ज़्यादा बन चुका है। खैर दरवाज़ा खोल के पहले बाहर चलो, ये सब लोहे के दरवाजे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बोले तो डाकू मंगल सिंह इस मिशन ने हमें काफ़ी ज़्यादा अमीर बना दिया। लिटरली यार हर बार बस ऐसा ही मिशन मिलता रहे जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा माल पानी मिले। और तुम लोग मुझे कमेंट में भी बताओ कि मुझे आगे कौन सा मिशन करना चाहिए, और हर बार मैं बस कोई बुरा ही मिशन करते रहो या फिर मुझे कुछ अच्छा काम भी करना चाहिए। वैसे तो फिर मेरा कोई खुद का घर नहीं है और यहाँ पे जो मैंने टेंथ विद बांधा ये सबको उठा के मैं यहाँ से चल पड़ूंगा किसी दूसरे विलेज में नए मिशन पे। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके मुझे इंस्टा ट्विटर फेसबुक पे कमेंट कर दो। और हाँ ट्विटर का नाम चेंज हो चुका है और अभी वो एक्स क्रॉप है, तो जाके एक्स क्रॉप पे भी मुझे कमेंट कर दो। और डाकू मंगल सिंह नाम मत भूलियो, बहुत बड़ा आदमी बनेगा साला।